गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों। भैया मैं 3-4 व्लॉग से यही बोला जा रहा हूँ कि भाई गर्मी लग रही। अभी मैं वॉशरूम गया था भैया, वॉशरूम में भी पसीना आ रहा है। आज से 5 साल पहले मम्मी जब यहाँ पर घर की फिटिंग, मतलब बिजली की फिटिंग करवा रहे थे, तो मैंने बोला कि मतलब एसी की फिटिंग करवा रहे थे, ऊपर में ना प्लगिंग वगैरह करवा रहे थे। मैंने कहा यहाँ पर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है एसी की, पर आज पता लग रहा है भाई बाथरूम में भी एसी चाहिए। मतलब इतनी गर्मी हो गई, यहाँ पर एसी की ज़रूरत पड़ रही है यार। आज से 5 साल पहले यहाँ पर कोई एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पंखा बड़ी मुश्किल से चलाते थे, तो आज एसी की। बस अब नहाते हैं, एक नहाने का ही सहारा, पर नहाने का भी क्या है, पानी ठंडा नहीं है, गर्म है पानी भी, टंकी से पानी आएगा और हमारे पानी भी नहीं आ रहा है। कल से पानी नहीं आया, तो ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, और टंकी में गर्म पानी होगा तो उसी से नहाएंगे और फिर चले जाएंगे। मैंने आपको अपने खेतों की वो दिखाई थी लौकी, तो एक तो निकली ठीक, बाकी दो जो मम्मी ने निकाली वो निकली होगी ख़राब। तो कल ऐसे फ़ोन पे बात कर रहे थे तो घर वाले बोलते कि तूने वीडियो में दिखाया, इस वजह से हमारी लौकी जो है ख़राब हो गई। तो आप ही मानते हैं इन चीज़ों में कि अगर मैंने ये चीज़ व्लॉग में दिखा दी तो लोगों ने देख ली तो वो चीज़ ख़राब होगी, तो उसमें लोगों का कसूर है या मेरी वीडियो का कसूर है या प्रकृति का कसूर है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो इनकी बातें बेबुनियाद लगती हैं, आपको क्या लगता है, आप मुझे नीचे लिख के ज़रूर बता देना भैया, इनको भी मैं दिखा सकूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़ चल रहा है ब्रेकफास्ट टाइम, रोज यही खा रहा हूँ मैं आजकल, 2 या 3 दिन तो हो गए, क्योंकि भाई थोड़ा ठीक हैवी खाया हुआ तो सुबह ठीक चल जाता है काम। बाकी चाय बहुत ज़रूरी है, बेशक गर्मी हो या सर्दी। तो आज इंटर लेके आ रहे हैं, तो मेरे घर की गलियाँ देख लो कितनी छोटी हैं कि साला ट्रैक्टर घुसाना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ बड़ा काम फंसता है हमारा। तो लेके जा रहे हैं घर की ओर। क्या ना ऐसे ही है प्लेन ही, किसमें कहा डालना, अब तू जा रहा है उसमें एक रफ बजरी डालनी है इस वाले में, एक में डाला हुआ ना। पहले आप इसको तो करा लो, बाकी काम छोड़ो परे, पहले इधर का काम तो कराओ पहले ही। क्या चल रहा है मुद्देदार माल ये लगा रहे हैं आज। बाकी ईंटे यहाँ पर हैं और थोड़ी ईंटे यहाँ रखी गई आज दूसरी साइड। ये हमारे पड़ोसियों में घर है तो वहाँ रख रहे हैं, और ये सारा जट्ठा देख रहे हो आप इधर, ये बस वाली छोड़ के बाकी सारी ईंट हमारी है, तो अभी ये पहुंचानी है यहाँ। ये कुल है और यहाँ से 7 से रास्ता जा रहा है, तो ये सारी यहाँ वाली साइड पे अभी यहाँ भी अभी हो रही है तराई, जो ईंटों को जब यहाँ चिनाई हो जाती है उसके बाद जब आप पानी देते हो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, तो इसको बोलते हैं तराई। और ये जो लगे हैं इसमें, तो ये है बैरे, जिससे आपके दरवाजे की जो ग्रिप बनेगी इसको बोलते हैं बैरे, और जो आपकी जिसमें आपका दरवाजा लगेगा, जिसमें आपका डोर लगेगा, इसको बोलते हैं चौखाट, और बाकी दूसरी इंग्लिश वाली भाषा में आपको बोल सकते हैं फ्रेम, विंडो फ्रेम या डोर फ्रेम। तो वो भी चल रहा है तराई का काम, अभी दूसरी साइड भी देनी। मम्मी आने रही और मेरी मम्मी गप्पे मारने लगी रहती है ना, तो अभी मेरे को गुस्सा आ जाता, फिर मम्मी को पता है, और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि मेरे को उसका कनेक्टर नहीं मिल रहा है। मम्मी नहीं मिल रहा भाई, उसका कनेक्टर कहाँ है, दे दो यार, मैंने आप बोल रहे इधर पड़ा, तो बताओ ना कहाँ है, तो मेरे को तो कहीं नजर नहीं आ रहा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपको। अब वही गप्पू से नहीं फुर्सत ना, फिर बोलते हैं ऐसे बोलता है गप्पू से नहीं फुर्सत, गप्पे 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 मार। तो यार ये लुक यहाँ से, ये लहसुन प्याज उठा लो यहाँ से भाई, और ऐसा कुछ दीवारें बन गई हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर कल लग जाएगी ईंट, और ये खिड़की भी, और यहाँ पर ये खिड़की यहाँ लग जाएगी, तो रूम रेडी होने वाला है बस कल यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद। शाम के टाइम में यहाँ से भी सेम, जैसे ये नहीं खोदी हुई थी
वैसे यहाँ खुदेगी। और यहाँ एक विंडो लगाने का प्लान था पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी, तो इसलिए उसको भी पेंडिंग में डाल देंगे, पर उसके लिए जगह रख लेंगे। और यहाँ पर सीखो भी बनाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा है क्योंकि गर्मी फिर थोड़ी ही हो रखी है। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है आज भी। फाइनली आज थोड़ी बहुत बारिश हो गई है, थोड़ी बहुत ही बूंदा बूंदी जो हुई है उसकी वजह से अभी थोड़ी हमारी खिड़की में ठंडी हवा आ रही है। तो आज मैं वो पवन भैया वाले साइड जो उस दूसरे वाला कमरा है उसको पवन भैया का कमरा नाम दिया गया है क्योंकि वहाँ पर हमारे पवन भैया रहते थे, तो उसको पवन भैया का कमरा ही बोला जाता है। तो पवन भैया वाले रूम में मैं सोता हूँ ऐसे डेली, तो वहाँ पर गर्मी लग रही थी। कल भी मैं वहीं सोया था पंखा लगा के, पर भैया वहाँ पर भी गर्मी लग रही थी, पर मैं सो गया गर्मी में ही। तो आज भी वहीं सोऊंगा, आज थोड़ा मौसम ठीक है, बाहर से ठंडी हवा आ रही है, तो आज तो वहीं सोऊंगा। देखा मैं बोलता था ना बारिश आ जाती, जब मैं ज़्यादा बोलता हूँ ना कि हाँ बारिश बारिश बारिश, तो भाई बारिश आ जाती है, पर आ रही है, पर थोड़ी बहुत आई है भैया, मुझे नहीं आया था ज़्यादा, थोड़ा सी तबाही वाला मौसम आ जाए ना, कोई चक्कर नहीं। अब चालू हो गया, यहाँ जब नंबर लिखने आ जाएगा समझो चालू हो जाएगा। तो अब शुरू करो, बता दो अपनी कहानी, आज आपने क्या क्या काम किया। आज मैं कितना प्यार, यहाँ यहाँ कैमरा लग रहा है, यहाँ देखो और यहाँ पर देख सकते हो कि हम सही आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक ना। आज मैं सुबह उठी तो रात को नींद की गोली खा के सोई थी, और सुबह उठी तो चलाने जा रहा था, फिर मैंने पानी पूनी पिया, फिर मैंने योगा करा, थोड़ा योगा करा, फिर इस टाइम लगाएंगे तो फिर इस मस्टंडे को रोटी बनाई, परोंठे बनाए अपने लिए, रोटी बनाई, फिर मिस्त्री आ गए, फिर मिस्त्रियों को काम समझाया, फिर घर का काम करा, धूप बत्ती करी, नहाई धोई, फिर खाना बनाया, फिर इन्नी खाया फिर इन्नी खाधा, भांडे मांजे, गाय दी गोर, गाय दी गोर, इन्नी मोर मारिया फिर इट्टे खूब मंगा ली इसने मस्टंडे ने, है 6,000 इट मंगा ली, ओ उधर तक अग्गी हुई है साथ वाले को रास्ता नहीं था, फिर वो बोलता कि मेरी एक्टिवा के लिए रास्ता रख देना, फिर हमने उसको राजस्थानी के साथ मैं लगी, फिर रास्ता बनाया, फिर उनको चाय बनाई, चाय दी, और बहुत कुछ काम करा। अब देखो जी धूप बत्ती करी मैंने, धूप बत्ती ये देखो यहाँ कट गया, आटा उटा गूंदा, अब शक्ल दिख रही है वहाँ। तो ये अब रात को चावल बचे हुए हैं उसकी, इसको परोंठी बनाऊंगी, उसको छसकवा दूंगी, अपने लिए मेरे को दही पड़ा है, मैं दही घी और साग के साथ रोटी खा के, अपने कान्हे को भी, कान्हा मेरा देखा आपने, उसने दिखाया आपको कान्हा मेरा, नहीं दिखाया तो खुद ही दिखा लेने को, वो बाल गोपाल है मेरे, तो उनको भी खाना खिलाऊंगी, फिर सलाऊंगी, फिर सो जाएंगे। चल पक्की कला सो जाएंगे, ये रात को गर्मी लगेगी फिर आप नहीं सोएंगे, कभी ऊपर हो जाएंगे, कभी चटाई बिछा के सोएंगे, कभी हाँ। तो आज मम्मी ने थोड़ी सी व्लॉगिंग कर ली और देखते हैं, मम्मी डाल दो फिर ये डाल दो, ये पानी डाल दो, आपके रिमाइंड लोग देखेंगे। तो अभी लाइट चली गई थी और मैं मम्मी को बाहर थोड़ा व्लॉगिंग करने सिखाने लग रहा था, और थोड़ा बाकी 8:30 हो गए, बाकी हमारे टाइम हो गया टाइम देखने का। ये ले मम्मी ने भी पी गोली नहीं खाई भैया अभी तक, जैसे आपके घर में भी आपकी मम्मी ऐसे पटके बांध के घूमती है। चाय बन रही है, परोंठे बन रहे हैं चावल के, और हमारे ये टमाटर वाला आइडिया जिसने दिया था भैया हमको, थोड़े चलो पता है जो पहले थे, चल पता है, चलो अच्छा है ना, अच्छा तोड़ लिए तो बढ़िया है, सही है, चलो सड़ गया वो अलग बात है। पर अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को कर दो लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर, जो भी आपको अच्छा लगा भैया नीचे कमेंट करना मत भूलना,
और जो मैंने ब्लॉग में बात करी थी स्टार्टिंग में, तो उस ब्लॉग की चीजें भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और जिन्होंने अगर चैनल पर नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। मिलती हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। हैं चार बना दो, चार।